गुड मॉर्निंग कानू, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग कानूली, क्या खा रहे हो पापा? नाश्ता थेपला पत्ता गोभी और ये अभी मॉर्निंग का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही बढ़िया, एक नंबर। तो मम्मी यहाँ पे खाना पका रही है और मम्मी ने बनाया था नाश्ते में पत्ता गोभी की सब्जी और थेपला, मस्त यमी बना था। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम रेडी हो चुके हैं और आज कानू कितना मस्त लग रहा है ना, कलरफुल जैकेट पहना है। मैंने भी कलरफुल जैकेट क्या है, वन पीस पहना है। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ हीरोइन। तो अभी रेडी हो चुके हैं हम और हम होम स्टे चेंज कर रहे हैं। अच्छा, बॉनफायर। तो हम होम स्टे चेंज कर रहे हैं, पता है तुझे होम स्टे चेंज कर रहे हैं हम? ये हम चेंज कर रहे हैं, पता है तुझे? दूसरी जगह पर जा रहे हैं हम। हाँ, आगे। हाँ अच्छा, हाँ वहाँ पे वादरा है, वहाँ पे। हाँ वहाँ पर तो पूरा धब्बी है पहाड़ वहाँ पे। हाँ तो वो अच्छा है, उन्होंने ऑफ़र किया, जो ऑनर है उन्होंने ऑफ़र किया कि दूसरी भी प्रॉपर्टी है हमारी, एक बार वो देख लो, तो वो भी बहुत ही सुंदर है। तो हमने ये चेंज कर रहे हैं अभी। तो अभी पूरा सामान पैक हो चुका है और अभी हम होम स्टे पर सामान रख देंगे पूरा, उसके बाद हम ऊटी घूमेंगे। आज गार्डन घूमने वाले बहुत सारे, तो बस लेट्स गो। हमारी अन्ना यू रेडी हो चुकी है, हीरोइन बन गई है। देखो देखो छोटा छोटा कैसा पहना है, अच्छी लग रही है। अच्छा ऐसा है। सो अभी आ चुके हमारी गाड़ी, लेट्स गो। बोलो चामुंडा माता की जय, कानूडी का बदु सु बोलो। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं गार्डन, क्योंकि ऊटी में सबसे ज़्यादा गार्डन ही बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम आ चुके हैं रोज गार्डन। हाँ, हम हैं बोट में तरेंगे। बोट में तरेंगे, तलेंगे तलेंगे। ये रोज गार्डन में बोटिंग बाद में है। तो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो हम यहाँ पे रुक चुके हैं और अनायु कितनी क्यूट लग रही है, उसको लग रहा है कि उसने ही अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, टाइट पकड़ के बैठी थी। और यहाँ का चार्ज है 75 रुपीज़ अडल्ट का, और चिल्ड्रन का है 40 रुपीज़, कैमरे का है 50 रुपीज़, और वीडियो कैमरे का था 100 रुपीज़। और सबसे पहले हम जा रहे चाय पीने के लिए, उसके बाद जाएंगे हम गार्डन में घूमने के लिए। तो ये हो रेडी हो चुके हमारी चाय। तो हम खा रहे हैं अभी जाम बन, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हर एक शॉप पे आपको वो चीज़ दिख जाएगी। और यहाँ पे मैंने चाय टेस्ट करी, यहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बॉयल नहीं करते हैं। और ये बंदर को देखो, बारिश में भी नाच रहा है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही है। और ये बंदर ने हमारा जाम बन ले लिया था, पर उसका शूट नहीं किया था क्योंकि अचानक ले लिया था इस वजह से। और ये है रोज़ गार्डन और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन है। क्या जामरोल? क्रियांश मुझे दे रहा था फ्लावर और मुझे लव यू बोल रहा था। अभी हम आ चुके हैं गाड़ी में, मैं ध्रुव, हेलो, मैं ध्रुव और क्रियांश आ चुके हैं, क्योंकि हमको पानी पीना तो बहुत प्यास लग रही है। वो लोग फोटोज खींच रहे हैं
और अभी हम खाएंगे नाचोस। नाचोस खाएंगे ना, ये प्रियांश का नाश्ता का पिटारा है, उसमें से वो नाचोस खिलाएगा, मुझे भी खिलाएगा ना। सो अभी हम आ चुके सेकंड गार्डन में, ये है कर्नाटका सीरी हॉर्टिकल्चर गार्डन। कितनी है टिकट? 100 पर पर्सन। अच्छा वाला गार्डन करता है मॉडल। ये थी नर्सरी और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे प्लांट्स मिल रहे थे, ऐसा लग रहा था ये ले लो वो ले लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ऊटी के गार्डन मस्त है ना, सब एकदम बढ़िया। कश्मीर भी में रोते वैसे वाला। चलो ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो हमने आप गार्डन देख लिया है और अभी हम थोड़ा थक चुके हैं, तो हम बैठ गए थे और अनया के साथ खेल रहे थे। ताता सो यहाँ पे क्रियांश ऐसा राउंड 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 घूम रहा था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रही थी और उसको देख कर मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मैं भी ऐसा करती थी, बहुत ही मस्ती करते थे यार, बहुत ही अच्छे दिन होते बचपन के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गार्डन भी बहुत ही अच्छा था, ये मस्त पीकॉक वाला बनाया है, मैं तुम्हारे लिए तोड़ के लाया नर्सरी में से चुरा के। थैंक यू। चलो अभी हम चलते चलते थोड़ा थक तो गए थे, पर दूर से ये ब्रिज दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी हिम्मत करके चली जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं और बारिश आपको दिख ही रही होगी, बारिश गिरना स्टार्ट हो चुकी है और अभी मुझे ध्रुव ने जो फ्लावर दिया था वो मैंने लगा लिया है बालों में, और ये सूट भी हो रहा था मेरे आउटफिट के साथ, और अभी मैंने ध्रुव की जैकेट पहन ली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, मेरी जैकेट पड़ी थी कार में। और यहाँ पे ये ब्रिज बस पास में ही आ गया है और यहाँ पे लेक में बहुत ही मस्त कलरफुल सब फिश थी, और यहाँ पर पापा और ध्रुव खिला रहे हैं मछली को बिस्किट। वो नाना नहीं तोड़ो पापा, फाइनली हम ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं और चलते हैं ऊपर। और ये है टी गार्डन। तो
उसके बाद आए हम दूसरे पॉइंट पर अभी हमारा हो चुका है लंच का टाइम। बहुत भूख लगी थी तो यहाँ पे लेक प्लाजा होटल में हम खाना खाने के लिए जा रहे थे। अंदर गए तो यहाँ पे फिक्स थाली ही मिली थी तमिलनाडु की स्पेशल, पर हमको वो नहीं खाना था तो हम बाहर निकल गए। उसके बाद बाहर यहाँ पर ये गाजर मिले थे, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, वो लिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक दूसरी शॉप पर आए तो यहाँ पर सब चीज़ें मिल रहे थे, तो हमने सोचा चलो यही सब चीज़ खा के आज हम काम चला लेते। तो सबसे पहले कुछ खाया, ये हमने स्वीट बन था ये मैंने टेस्ट किया, मैंने मुझे अच्छा लगा पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। भाभी को अच्छा लगा क्योंकि उनको स्वीट्स पसंद है, मुझे इतनी पसंद नहीं है। उसके बाद खाया समोसा, उसके बाद खाया ये बटाका वड़ा, उसके बाद मिर्ची वड़ा और ये कांदा के भजिए, फिर ये वड़ा पाव और ये मैगी। खाना अच्छा था, सब चीज़ें अच्छी नहीं थी, कोई कोई चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, कोई कोई एकदम नॉर्मल थी। वड़ा पाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमको। उसके बाद अभी चलते हैं हम यहाँ पे बोट हाउस ऊटी का। सो हमने ली प्लास्टिक की ऐसी ब्लू वाली बॉटल, ये 50 रुपये की पड़ी क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक बैंड है, इस वजह से ऐसी वाली बॉटल मिल रही थी और यहाँ पे मार्केट था। उसके बाद हम यहाँ पे लाइन में खड़े हैं यहाँ पे बोटिंग के लिए, तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और बोटिंग करने के लिए जा रहे। मैं, ध्रुव, आकाश और भाभी चार जने जा रहे और क्रियांश भी आ रहा है, मम्मी पापा नहीं आने वाले हैं, तो लेट्स गो और मस्त मज़े करेंगे। कितने की आई टिकट? 450। कितने? 4% का। 4% पेडल वाली। यस। उसके बाद हमने पहन लिया जैकेट क्योंकि सेफ्टी तो भाई इम्पॉर्टेंट है ही हमारी लाइफ में, तो ये सब छोड़े, फैशन की सब चीज़ें छोड़कर ये लाइफ जैकेट तो पहनना ही पड़ेगा। और यहाँ पे क्रियांश और आकाश पैडल मार रहे थे, मैं और भाभी मस्त चिल कर रहे थे, हम दोनों को मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने ये वापस ब्रिज देखा, पर हमने एक बार देख लिया तो हमको वहाँ पर तो जाने का मन नहीं हो रहा है। और ये हार्ट वाला फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर तो हम जाएंगे। बोटिंग कर लिया है, उसके बाद हम आए बाहर और यहाँ पे राइड्स थी, तो राइड्स देख के बहुत ही मन कर रहा था मेरा, तो चलो चलते हैं अंदर। तो सब लोग तो मना कर रहे थे, मैं, ध्रुव, क्रियांश और भाभी रेडी हो चुके हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। और हम बैठ चुके हैं पर ये बॉटल रह गई थी, तो ध्रुव ने यहाँ से बॉटल फेंकी और पापा ने कैच कर ली है और अभी ये राइड स्टार्ट होगी। और इस साइड बैठे हैं भाभी और क्रियांश और ये देखो हाय हाय कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग नहीं बैठे थे इस साइड, ये दोनों थे और यहाँ पर हम दोनों थे, बहुत कम लोग थे। तो ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा मज़ा आता क्योंकि जिस लोग सब लोग चिल्लाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, पर कोई बात नहीं, इतने जने हैं तब भी आ रहा है। और ये व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है पूरा। राइड्स के बाद लगी भूख, तो मैं यहाँ पे सॉफ्टी के लिए खड़ी थी, मम्मी यहाँ पे लेमन टी के लिए खड़े थे और ध्रुव वहाँ पे स्वीट कॉर्न के लिए खड़े थे। तो मेरी सॉफ्टी बन चुकी है चॉकलेट और वेनिला मिक्स की, तो चलो टेस्ट करते हैं। वैसे तो सब सॉफ्टी सेम ही आती है, मुझे तो सॉफ्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठंड हो गर्मी हो मैं तो सॉफ्टी खाती हूँ। और ये आ चुका है स्वीट कॉर्न, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। उसके बाद अंदर यहाँ पे था गेम जोन, तो क्रियांश को गेम जोन में आना था तो हम आ चुके हैं यहाँ पे गेम जोन में। और ये टैडी वाला करता है, इसमें कभी भी किसी का आता ही नहीं है पर तो भी क्रियांश खेलता है ये वाली, मुझे समझ में नहीं आता है वो क्यों करता है। क्रियांश के साथ साथ खेल रहे थे उनके ध्रुव, पुआ भी यहाँ पे गेम खेले थे, कुछ हथौड़ा वाला था तो यहाँ पे ये उन्होंने खेल दिया है। उसके बाद
यहाँ पे किया, क्योंकि ये फ्रूट वाली गेम खेला है। ये वाली गेम तो वो अपने टैबलेट पे भी खेलता है, पर यहाँ पर वो यही सेम गेम खेल रहा है। कुछ नया ट्राई करना चाहिए था। और यहाँ पे अनायु देखो, क्यूटी पाई हमारी, उसको बिठा दिया है हमने बाइक पे और उसको ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी वो बैठी अपने फूफा जी के साथ, ध्रुव फूफा जी के साथ बैठा है, बैठी है वो, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया। और यहाँ पे क्रियांश खेल रहा है कार वाली गेम। उसके बाद हमको दिख गए पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया। और यहाँ पे वो स्प्रिंग वाले जो पोटैटो होते हैं वो क्रियांश को खाना था, ट्विस्टर बोलते हैं आई थिंक इसको, तो ये ट्विस्टर बन रहा है क्रियांश के लिए और ये पिज़्ज़ा बन रहा है मेरे और भाभी के लिए। तो ये यहाँ पर ये रेडी हो चुका है, मसाला वसाला डल चुका है और अभी यहाँ पे ये क्रियांश के लिए रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ये कुछ पी पी रहा था, कुछ ड्रिंक था, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और साथ साथ में हमारा भी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है और 99 का ही पिज़्ज़ा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो अभी हम आए हैं लोकल मार्केट में यहाँ पे और उसके बाद जाएंगे हम होम स्टे। वैसे मैंने और ध्रुव ने तो ऑलरेडी कल शॉपिंग कर ही ली थी, तो हम बस ऐसे ही एक्सप्लोर करने निकले हुए थे कि कुछ पसंद आ जाए तो ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेने का मन था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे स्वेटर जैकेट मिल रहे थे, तो वो देखकर तो लेने का मन होता ही है। उसके बाद हमने खाई यहाँ पर पानी पूरी, क्योंकि मैं हर जगह पर जाती तो पानी पूरी तो हर जगह टेस्ट करती ही हूँ। तो चलो टेस्ट करते हैं कैसा है। टेस्ट किया, इतना ख़राब भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था, नॉर्मल था। उसके बाद हम आए हैं एक रेस्टोरेंट पे और यहाँ पे हम खाना पैक करवा रहे हैं, क्योंकि हमको होम स्टे में जाना है तो वहाँ पे खुद भी बनाना पड़ेगा। पर हम आज थक चुके हैं घूमते घूमते, तो हमने खाना पैक करवा लिया है, ये ध्रुव ने हाथ में पकड़ा हुआ है। और उसके बाद हमको ये फ्रिज मैग्नेट मिला तो हमने वो भी ले लिया है ऊटी का। सो अभी हम आ चुके हैं होम स्टे में और हमने भी देखा नहीं है सुबह से, अभी जस्ट देखेंगे कैसा है। तो बाहर से तो ये होम स्टे अच्छा लग रहा था, वाइट कलर का था, दो थे पास पास में थे, लेट्स सी कौन सा वाला हमको देते हैं। और अभी हमको अभी चाबी नहीं दी है तो हम बाहर का व्यू देखने गए हैं। तो ये हमारे होम स्टे से दिखने वाला है पूरा व्यू, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये दूर से मैं दिखा देती हूँ आपको ये होम स्टे, चलो लेट्स गो, अभी नीचे चलते कौन सा वाला देते हैं। सो की मिल चुकी है, तो ये है हॉल और ये है हॉल से व्यू पूरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है डाइनिंग टेबल और ये है तीन बेड का पूरा विला है, होम स्टे है। तो ये है किचन और यहाँ पर अभी हम खाना भी बनाने वाले हैं, पर आज नहीं, आज तो हम खाना लेकर आए हैं। तो ये रहा किचन, ये देख लो अच्छे से। और ये है नीचे का बेडरूम, ये मेरे मम्मी पापा ले रहे हैं। और ये बाहर से वही वाला अच्छा वाला व्यू मिलने वाला है जो हमको हॉल से मिल रहा है, ये देखो। और अभी हम चल रहे हैं ऊपर और अभी हम देख लेते कौन सा रूम लेना है। और ये लैंप बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो ये वाला बेडरूम है मेरा और ध्रुव का, ये नीचे था वैसा ही सेम ऊपर है, डिट्टो सेम है। और यहाँ पर ये ही सेम मिरर और ये ही सेम अच्छा वाला व्यू। और ये है बड़ा वाला रूम, ये है आकाश का रूम, क्योंकि यहाँ पे चार लोग रहते हैं तो बड़ा वाला रूम तो बनता है। तो ये है भाई भाभी का रूम। सो अभी हमने खाना भी खा लिया है और ये ब्लॉग में यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, लव यू ऑल।